हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं पैरामेडिकल की वैकेंसीज के बारे में, यानी ओटी टेक्नीशियन हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया और डेंटल टेक्नीशियन हो गया। इनकी आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो ये रिक्रूटमेंट निकला है वो कहाँ से निकला है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से निकला है, यानी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के थ्रू ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसमें अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले ये जो आप ये एप्लीकेशन सबमिट करोगे ये ऑनलाइन एक्सेप्ट करेंगे, बाकी जो अदर मोड होगा ऑफलाइन वो इसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जो सबमिट करने की जो डेट है, ओपनिंग डेट, वो 13/9/2024 से स्टार्ट है और जो क्लोजिंग डेट है वो है 3/10/2024। और इसमें जो एग्ज़ाम होने वाली है 8/12/2024 को एग्ज़ाम होने वाली है इसकी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो ये नोटिफिकेशन निकला है इसमें आप इस वेबसाइट पर जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी पोस्टेज के लिए निकाला गया है, इसमें जो नॉन मेडिकल और मेडिकल की पोस्टेज निकाली गई है, नॉन मेडिकल की भी इसमें वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉन मेडिकल की वैकेंसीज काफ़ी सारी। आगे अपन बात करेंगे मेडिकल की वैकेंसीज के बारे में, जो पैरामेडिकल की वैकेंसीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ असिस्टेंट जूनियर की, तो लेवल 4 के अंदर वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें जो पर मंथ की जो सैलरी रहने वाली है ये रहने वाली है, और इसमें जो वैकेंसीज है टोटल 18 पोस्ट है, यानी 18 पोस्ट है इसमें टोटल। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्टेज दे रखी है, कितनी कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है उस हिसाब से दे रखे हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेंटल टेक्नीशियन की, तो डेंटल टेक्नीशियन है इसमें लेवल 5 के अंदर है, पर मंथ की सैलरी रहने वाली है। टोटल पोस्ट है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है, तो एक में है 4 पोस्ट है इसमें TRIHMS में, और नेक्स्ट में है 25 एंड 25 पोस्ट है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखे हैं। आप देख सकते हैं, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे। और नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेवल 2 के अंदर है, इसमें लेवल 2 में ये सैलरी रहने वाली है, और इसमें टोटल पोस्ट है 8 है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हो आप। नेक्स्ट है ECG टेक्नीशियन, इसमें लेवल 5 में सैलरी रहने वाली है, और नेक्स्ट इसमें पोस्ट है टोटल 12 है, यानी 12 पोस्ट है इसमें। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन की लेवल 5 में सेम एजिट्यू है, सेम सैलरी है, और इसमें जो पोस्ट है टोटल 24 है, 24 पोस्ट है इसमें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो इसकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन है इनकी असिस्टेंट टेक्नीशियन की, उसके बारे में अपन बात करेंगे हेल्थ असिस्टेंट की। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ असिस्टेंट में आपके पास में क्लास 12 पास होना चाहिए, साथ में 2 साल आपके पास में हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग कोर्स या आपके पास में कोर्स होना चाहिए, ये किसी भी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज हो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो, उससे होना चाहिए। और यहाँ पे लेवल दे रखे हो लेवल 4 के अंदर। एज की बात करते हैं तो इसमें एज होनी चाहिए 18 से 35 साल, और 5 साल का इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेंटल टेक्नीशियन की, तो इसमें आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए क्लास 12 साइंस से पास आउट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपके पास में या फिर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल मैकेनिक का या डेंटल टेक्नीशियन का किसी भी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज हो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से, या फिर होना चाहिए रजिस्टर्ड होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश स्टेट से या फिर डेंटल काउंसिल और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से। इसमें लेवल 5 के अंदर है, लेवल 5 में ये सैलरी रहने वाली है, और एज देखिए सेम एज ट्यू 18 से 35, 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो इसमें देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास तो आपके पास में होनी चाहिए 10th पास, और आपके पास में रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास आउट होनी चाहिए, और MLT कोर्स आपके पास में होना चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स आपके पास में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ऑल इंडिया के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास में ये MLT का कोर्स होना चाहिए 10th के बाद में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल देखिए लेवल 2 में है, एज देखिए सेम एज ट्यू है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं ECG टेक्नीशियन की, तो इसके लिए आपके पास में क्लास 12th साइंस से पास आउट होनी चाहिए, और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए ECG टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ऑल इंडिया के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट से। और पे लेवल की बात करते हैं लेवल 5 के अंदर है, एज भी सेम एज ट्यू है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन की, तो इसमें आपके पास में BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी BOTT का आपके पास में कोर्स होना चाहिए जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, और या फिर आपके पास में क्लास 12 साइंस से पास आउट होनी चाहिए, और साथ में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन का, यानी BOTT का कोर्स, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स आपके पास में होना चाहिए।
किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पे लेवल लेवल 5 है, सेम एजुटिव है और एज भी सेम एजुटिव है। आप इसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट की बीच में वैकेंसीज निकाली गई है। फार्मासिस्ट के देखते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए क्लास 12 साइंस से पास आउट होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और साथ में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का किसी भी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज हो, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से, और रजिस्टर्ड होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश से फार्मेसी काउंसिलिंग से या फिर इंडिया फार्मेसी काउंसिल से। लेवल 5 में सेम एजुटिव है और एज भी सेम एजुटिव है 18 से 35। यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इसके जो एग्ज़ाम फीस है। जो एग्ज़ाम फी देखिए यहाँ पे तो नॉन रिफंडेबल फीस है, यानी आप इसमें अगर एक बार सबमिट कर दिए फॉर्म तो आपको आप एग्ज़ाम नहीं देती हो तो इसमें रिफंड नहीं होगी एग्ज़ाम और फीस। यहाँ पे देखिए जो EAPST वाले कैंडिडेट हैं यानी जो अरुणाचल प्रदेश के में जो कैंडिडेट है उनके लिए 150 रुपीज़ है, और जो जो कैंडिडेट है जनरल के उसके लिए 200 रुपये हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसमें देखिए जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया इसमें जो कैंडिडेट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया से होना चाहिए यानी इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, और आपके पास में जो क्वालिफिकेशन है, एज है, जो एक्सपीरियंस है वो जो क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम की जो स्कीम रहने वाली है इसमें अलग अलग प्रकार से स्टेज दी गई है। एक स्टेज फर्स्ट में होगी, सेकंड में होगी, फोर्थ में होगी, इस प्रकार से दी गई है। यहाँ पर तो अपन जो वैकेंसीज रहने वाली है पैरामेडिकल की वो स्टेज फर्स्ट में रहने वाली है ओनली फॉर। यहाँ पे देखिए जो स्टेज फर्स्ट की जो वैकेंसीज है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, 200 मार्क्स के पेपर होगा। इसमें यहाँ पे देखिए जो सिलेबस रहने वाला आपका ये रहने वाला है यानी सब्जेक्ट देखिए जनरल अवेयरनेस का होना होगा पेपर। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, टोटल 25 मार्क्स होंगे। सेकंड है इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होनी होगी, सेम एजिटिव होंगे, सेम क्वेश्चन होंगे, सेम मार्क्स होंगे। और नेक्स्ट है एरिथमेटिकल एबिलिटी यानी सेम, इसमें भी सेम है, सेम क्वेश्चन होंगे, 2.5 का पर क्वेश्चन होगा और 25 मार्क्स टोटल होंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश का जो पेपर होगा इसमें भी सेम है यानी 10 क्वेश्चन होंगे, 2.5 का पर क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट है टेक्नीशियन पेपर यानी आप जिस कोर्स के लिए, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे 50, और जो पर क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर का होगा, और इसमें 100 नंबर का ये पेपर होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा जो 1 घंटे का होगा, और 1 घंटे का ये होगा, 1 आवर का, टोटल 2 आवर का जो पेपर होगा और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। नेक्स्ट अपन बात करें जो टेक्नीशियन पेपर या जो जनरल जो भी है सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस है इसका, यहाँ पे नीचे दे रखा है आप देख सकते हो, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके, यहाँ पे इसमें दे रखा है सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।